ओ भाई साहब सांप जा रहा है। जल्दी जल्दी बनाओ पुनीत, जान दे से पहले वीडियो बनाना सांप की। बना तो रहा हूँ। सो भाई मैं आज सांप देखने का एक्सपीरियंस मिल गया, इस व्लॉग में सांप भी आ गया। हेलो एवरीवन, हेलो यूट्यूब फैमिली, मैं सो के उठ चुका हूँ और अभी बाहर का नज़ारा दिखाऊँ आपको। तो कुछ अबे खुल जा, ऐसा है अपनी खिड़की है, जो व्यू आ रहा है सामने, सनराइज हो रहा है। सो इन टुडेज़ व्लॉग आई विल शो यू माई ब्यूटीफुल विलेज ऑफ उत्तराखंड। व्लॉग करते हैं शुरू। गुड मॉर्निंग, छोटू का नमस्ते, बड़ों को प्रणाम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल पुनीत है उनका नाम। अमरनाथ में एक विधानसभा चुनाव है, मतलब एक सीट खाली है, तो उसके लिए बैरिकेड लगा के पुलिस वाले चेक वगैरह कर रहे हैं, क्या सामान ले जा रहे दिखाओ। रोड पर अगर आप लोग सीधे चले जाओगे तो आप जा सकते हो तुंगनाथ, चौपता तुंगनाथ, मधमहेश्वर, केदारनाथ और गुप्ता से त्रिजुगीनारायण, कालीमठ, सारे रास्ते, मतलब सारे मंदिर जो है इसी रास्ते से पड़ते हैं। और एक जगह को बोलते हैं हम तिलवाड़ा, जो हमारे गांव का बाजार है मेन। तो ये देखो गांव में ऐसे ले जाते हैं लोग, दाल ले जा रही हैं, घास है, दाल है। तो इन्होंने अपने खेत में दाल लगा रखी होगी, तो अब घर में ले आएंगे दाल, उसको सुखाएंगे और उसके बाद फिर उसको वो करेंगे, उसमें दाल निकालेंगे। लंबे लंबे लाइन चाहिए आप तो, ट्रैफिक बढ़ेगा धीरे धीरे, सारे यात्रा वाले लोग जाएंगे, लास्ट मोमेंट में है ना, भी यात्रा वाले लोग जाएंगे, 2 तारीख से बंद हो जाएगा। फिर आप लगा लोकल भाई, अभी हम जा रहे हैं गांव में, जा रहे हैं और ये आगे अपना धारा, यहाँ पर ठंडा ठंडा पानी, सब जा रहे हैं वहाँ गांव में मेरे, जहाँ पे दादी का घर है, ताया जी का घर है, भाभी का घर है, अभी जा रहे हैं वहाँ पे। कल रात में थे हम दीदी के घर पे और अब दिखाता हूँ आपको नज़ारे। ये देखो यहाँ से व्यू कितना अच्छा आ रहा है, अभी आगे और अच्छा व्यू आया। तो दीपू तो पहली बार आया गाँव मेरे, है ना, पहली बार आया ना, मस्त लग रहा है, मजा आ रहा है। ये कर दे एक बार, कर दे फिर ये। ये आ गया अपना महादेव। ओए ले आ, कहाँ क्या नहीं आ, आ तुम आ गए मंदिर से, कौन से मंदिर गए थे तुम? भोलेनाथ जी के, ना ना वो देखो बाबू, भोलेनाथ जी के गए थे, कहाँ गए थे, माता की कहाँ है, अपना महादेव का मंदिर। आपने पिछले व्लॉग में भी देखा होगा, बहुत सारे व्लॉग में दिखाया, ये देखो। और जो यहाँ पे शिवलिंग निकला हुआ है, अपने आप निकला हुआ है, ये देखो ये शिवलिंग निकला हुआ है अपने आप। और जो इसकी स्ट्रक्चर है ना, जो केदारनाथ में शिवलिंग है आपलिंग, उसकी तरह है ये भी भूलिंग है आपलिंग, मतलब अपने आप निकला हुआ है। जय भोलेनाथ। और यहाँ से भी देखो, अभी ऊपर से दिखाता हूँ और अच्छा व्यू आएगा। और आए हम वहाँ से, आए उस रास्ते से आए हम। हाँ तो यहाँ पे धूप हो रही है,
मजा भी आ रहा है धूप में, ठंड भी गर्मी भी लग रही है। अंकल जी का सेकंड टाइम मजा आ गया भाई वाह। सो गाइस अभी आ गए हैं हम छत पर और छत में से आपको दिखाता हूँ यहाँ का व्यू जो कि जबरदस्त है। देखो तो गाइस अभी देख रहे हो पीछे मेरे कितना अच्छा व्यू आ रहा है, जो सामने पूरा जो व्यू का नज़ारे जो अच्छे आ रहे हैं ना सामने, वो है पूरा सुमाड़ी, पूरा सुमाड़ी गांव है वो, और पीछे को नदी बीच में, और जो नदी आ रही है ये है हमारी मंदाकिनी, और देखो व्यू कितना अच्छा है पीछे। तो बस अभी यहाँ पर बैठे हैं, अभी यहाँ पर खड़े हैं, पीछे व्यू का मज़ा ले रहे हैं। आ तो भाई साहब बहुत सारा अपने फोटो सेशन करवा लिया, आँप का पेड़ शिव जी को चढ़ता है पेड़ आँप का। चलो चलते हैं, अभी मैं चाय पीऊंगा ना, तुम लोग जाओ चाय तो तुम ना बोल नहीं नहीं पी रहे चाय नहीं पी रहे आज का दूर बना बना चलो नहीं काना कब आएगा वापस काना आप उन दूर भी है जा रहे हैं दादी के घर की तरफ। ये देखो कितने प्यारे प्यारे फूल आओ तो हम जा रहे हैं ताई जी और दादी वाले घर पे। तो ये बने भी पुराने जमाने के, पहले वैसे बनते थे पत्थरों के मकान। तुम्हारे गांव में भी ऐसे पत्थरों के मकान? क्या नाम है? क्या नाम नाम नहीं नाम नाम क्या बुबा? नो क्या च नाम क्या त्यार नो क्या च बुबा? एक्सक्यूज मी तुम्हारी दीदी कहाँ है? दीदी कक्ष दीदी बड़ा कौन है? माँ कक्ष माँ पिताजी कक्ष पापा कक्ष पापा पापा चले गई कहाँ चली गई? पहुँच गए हैं घर पे, गांव में जो अपना घर है वहाँ पहुँच गए हैं हम, और घर के सामने मतलब घर के यहाँ जितना ऐसा व्यू आता नहीं, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो ये घर, ये बिल्कुल घर के सामने से व्यू है, इतना प्यारा। ये देखो रखे खेत में लगा रखी होगी ना भाभी ने दालें, तो ये देखो दालें सूख रही हैं, इनको पूरा अच्छे से पहले सुखाएंगे, जब सूख जाएंगी उसके बाद सूख जाएंगे और इनको फिर निकालेंगे इसमें से, और दिखाता हूँ दालें कैसे हो जाएगी निकल थापा। ये देखो जब दाल सूख जाएंगी तो उसके दालें कैसे निकालेंगे, ये अपने गाँव की दाल। हम तीनों जा रहे हैं पानी भरने के लिए, पानी ख़त्म हो गया घर पर, हम तीनों जा रहे हैं भाई, कंधे पे रख के ले जाना थोड़ा स्टैटली ऐसे ऐसे ले जा लेगा ले आएगा भर के ऐसे।
अरे एक दो तीन हमने भर लिया, घंटा भर लिया, दो पीपी भर लिए। चिड़िया गायब हो गई, तो बस निकलते हैं। तो अभी हमने पानी भर लिया है, एक पीपा मेरे पास, एक दीपू के पास, और बड़े भैया ऐसे ले जा रहे हैं जैसे गांव में लोग ले जाते हैं ना। ये ओए रुक जा, ओ भाई साहब सांप जा रहा है, जल्दी जल्दी बनाओ पुनी भाई, जान दे से पहले वीडियो बना रहा पाप की बना तो रहा हूं। कहां गया, इधर गया, इधर ऊपर चढ़ रहा ऊपर, भाई साहब कहां है ये जा रहा, घुस गया घुस गया सांप, वो आ गया भाई साहब, ओ भाई नाग है, नाग नाग है, अच्छा जी क्या कर नाग है, नाग भाई जा जल्दी भाई, ये क्या कर रहा, ये पकड़ लेगा तो उसे हाथ से, घंटा कितना लंबा है यार, एक फिट का तो हो गए, जा जल्दी भाई, डेढ़ फिट का होगा, डेढ़ का। सो गाइस देखो मैं नाग मिल गया रास्ते में, दिख रहा है क्लियर, दिख रहा है लंबाई, तो मजे मत ले उससे, ये जी मत ले, जहरीला ही होगा, हां जहरीली होती है, मत जा इधर से, रुक जा जान ले, ये जी रुक जाओ, कोई वो छलांग मार दे इधर को, देखना कैसे फन फन आ रहा है, इतने कहीं चुपा चुप तो नहीं खाए, अंदर गया इसमें झाड़ियों में, भाई साहब नाक का बच्चा था उसके पीछे, वो बना हुआ था। सो भाई मैं आज सांप देखने का एक्सपीरियंस मिल गया, इस ब्लॉग में सांप भी आ गया, जय हो नाग देव, जय हो नाग देव भाई, फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम एक्सपीरियंस है, और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है यूट्यूब पर ब्लॉग में, कि मुझे ऐसे रास्ते में हमें सांप दिख गया, रास्ता पार कर रहा था वो, भाई साहब डर भी लग रहा था, मज़ा आ गया पर। सो गाइस अभी हम आ गए हैं, और अभी हम खा रहे हैं यहाँ पे ककड़ी, तो हम खाने पे पहाड़ी ककड़ी, मतलब आप लोग तो खीरा बोलोगे पर यहाँ खीरे नहीं होते, बड़े बड़े होते खीरे साइज में, तो इसलिए उनके यहाँ पे ककड़ी बोलते हैं, अगर आप उत्तराखंड आ रहे हो ना तो भाई साहब यहाँ पे ले लो ककड़ी, और इसमें नमक लगा खाओ, एक नंबर, तीन दराज एक प्लेट में आपको मिल जाएंगे ककड़ी वाले खीरे वाले, एक बार जब भी आप उत्तराखंड आओ ना, जब देव प्रयाग की तरफ आओ, तीन दराज की तरफ आओ, तो एक बार ट्राई जरूर करना खा के, आपको मज़ा आएगा भाई, मज़ा आ गया। सो गाइस अभी हमने खाना खा लिया, और अभी हम निकल गए हैं दुर्गाधार मंदिर, जो कि एक काफ़ी अच्छा मंदिर है, मतलब हाइट पे है वो, तो हाइट पर होने की वजह से क्या है, वहाँ पे जो मौसम रहता है ना वो आपको सदाबहार मिलेगा, मतलब एकदम ठंडा मौसम और मस्त, और अगर मौसम साफ रहता है तो वहाँ से हिमालय के व्यू काफ़ी अच्छे आते हैं। सो आपको देख के ना हालत ख़राब हो गई, रास्ता पार कर रहा जब वो मंदिर है, वो 20 किलोमीटर, बैंजी है 10 किलोमीटर, लगा अंदर पीछे ईंट,
हम पहुंच गए दुर्गाधार मंदिर सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम जब आए थे यहाँ पे गाड़ी खड़ी करी थी, यहाँ पे बैठने के लिए बना दे रेस्ट करने के लिए लोगों के लिए, तो आराम से यहाँ पे लोग बैठ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ उत्तराखंड टूरिज्म की तरफ से, और मंदिर का स्टोरी यहाँ पे लिख रखी है, आप ये पढ़ सकते हैं। ये लोग फोटो खिंचवाएंगे ऊपर, और यहाँ से ये पूरा लिखा है इसका अक्षांचल देशांतर ऊंचाई। और यहाँ से कोटेश्वर महादेव मंदिर 16 किलोमीटर है, रुद्रप्रयाग 20 किलोमीटर है, आर्तिक स्वामी मंदिर 22 किलोमीटर है, अगस्त मुनि मंदिर 42 किलोमीटर है, और गोपीनाथ मंदिर 87 किलोमीटर है। और यहाँ से अब हमें जाना है ऊपर मंदिर की तरफ। तो अभी हम मंदिर पहुंच गए और मंदिर में कर रहे हैं दर्शन, दुर्गाधार मंदिर ये रहा आपके सामने। और सबसे राम भक्त भगवान भाग जाएगा, वो भी जाएंगे उसके पास, नहीं भागेगा, कोई है चीज खाने के लिए नहीं हमारे पास, कोई ना रुक जाता हूँ। तो अभी हमने प्रसाद ले लिया और अभी हम परिक्रमा कर लें। भाग नहीं आएगा वो, भाई साहब यहाँ से व्यू देखो ऊपर, बंदे को दाना जी बुला रहे चीज के लिए आ नहीं रहा वो, बोल्ट डरा रहा है मुझे। और सामने व्यू देखो भाई साहब क्या कह रहा है। टोपी ने ले जा पर ले जी शिवलिंग मां बे सुद्वी भगवान जी इनके हां तो से साक्षात दुर्गा छे गया तो तब केवर बल देवता आए या जनि भी आकाश में तब तो नहीं तब तो नहीं। अच्छा तुम बिंगणा हां नहीं आप समझते हैं गढ़वाली में समझते हैं जो तो ये बना के नहीं बिंगला सी अरे गढ़वाली में तुम मतलब ये चिकनी समझ नहीं तब वाले तब फिर कोई बनाने खून आए तब हुए अवतरे फिर खुदाई भी हुई अच्छा। फिर खोदी भी चली लेकिन कोई बात उनके 10-15 फीट तो बात कोई अंत नहीं मिली बात तो अग्नि को भी सहे थे अर्जुन मुनि महाराज थे नियम ने ऋषि कोई यन भी बोला ना कि उनका शिष्य था बल कोई जैसे समाधिस्थ भी छिन गया ये तो अब ये तो इच्छा है ना। अब कई बातें हैं ये बहुमा तमाम कोई बोला ना तवार कर रहा हूँ जो कर रहा मतलब है जा जो लेकिन ये कि मूड़ी बहुए गांव तक वही है जा आई लेकिन दो तीन गांव बचे इसमें दक्षिण काली और बरसिलमा से एक काली मंदिर एक ये गांव और एक तीसरा गांव बचा है बेंजी गांव वहां भी है। अच्छा तो तक कोई कॉलर नहीं है तबारे जमन में ये मतलब कई छनी ये मां उठती जो अब भयानक रूप था पर कॉलर वो अब ऊपर ऊंचा ही है जा अब ये नहीं अपने छ जी ये देख लिया बात सुख तेत्र वेद सुख के नाथ जान ये तरह वे सुख केदारनाथ होते जान केदारनाथ आपने में बते दिन ठीक
मतलब जैसे शेर का जैसा मुंह है का जो असली है, लेकिन यहाँ से कोई लोकेशन नहीं बता सकता है कि वास्तव में केदार ये है। लेकिन मैं रिसेंटली गया हूँ, अभी सर्च करके आया हूँ मैं कि कहाँ पर है केदार, तो उसकी जड़ तक हम गए हैं। इसलिए मैं ये निपुण हूँ मैं अभी, ये दुई तारीख में गए पहली पर बद्रीनाथ, तो यहाँ ये इस साइड इंडिया अपना पैदल जाने से ढूंढ के अपने आप जाओ ढूंढ देखो। 22 किलोमीटर है ऊपर, 22 किलोमीटर नीचे, तो डंडी कंडी और घोड़ों से तो वहाँ लदा हुआ है अभी हूँ वोन पटवन तक। तीन तारीख तो अपने अपने हाथ पांव जो मजा आता है वो बस ठीक है। सो गाइस, अभी हमने दर्शन कर लिए हैं और मंदिर की स्टोरी भी आपने सुन ली होगी। बोडा जी के मुँह बोडा जी के मुँह से या पंडित जी के मुँह से कुछ भी बोल सकते हो आप। तो मंदिर की स्टोरी पूरी गढ़वाली में थी, तो गढ़वाली में भी है इस व्लॉग में गढ़वाली सुनने को मिलेगी। और अभी हम वापस जा रहे हैं नीचे की तरफ। सो गाइस, अभी अपने होटल रूम में आ गए हैं वापस और थक गए भाई साहब, पूछो मत कितनी थकान हो गई। ओ भाई, सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक दिस वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, और हमारी यूट्यूब फैमिली यूके बाइक अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ले बाबा वो बच्चा, ले मेरा बच्चा सावा ला, ले लिया बैल लिया, बहुत बहुत जाओ जाओ।